हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे और मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज भी ब्लॉग की शुरुआत मेरी किचन से ही हो रही है हमेशा की तरह, बिकॉज मेरा घर ही है इतना छोटा सा जो किचन से स्टार्ट मतलब हॉल से स्टार्ट होकर किचन में ख़त्म हो जाता है। कभी होम टूर आप लोगों को ज़रूर दूंगी अपने घर का। मतलब यार ऐसा मन करता है मेरा भी हाउस टूर होम टूर का वीडियो बनाने का, बट मेरा घर मतलब इतना छोटा सा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है तो मैं उसका क्या ही टूर दूँ। तो लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर ही अपना होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए, आज यहाँ पे मैं डिनर बनाने जा रही हूँ और काफ़ी दिन बाद आज काम कर रही हूँ। मतलब एक हफ्ते का पूरा आराम किया मैंने मम्मी के घर और आज आते ही इतने सारे काम, मतलब सुबह से काम में ही लगी हूँ। तो समझ सकते हैं आप लोग यार कि मम्मी के घर का सुख और यहाँ पर आते ही क्या ही बोले अब। तो मैंने सोचा आज डिनर में क्या बनाऊँ, बिकॉज़ मैं सुबह 4 बजे से उठी थी। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, हम लोग सुबह यू नो 6:30 बजे की ट्रेन से, मतलब हम लोगों ने 5:30 को घर छोड़ दिया था, मैंने मम्मी का घर, और उसके बाद हमारी 6:45 के आसपास की ट्रेन थी जो हम लोगों ने पकड़ी थी, और उसको पकड़ के मैं आई थी अपने ससुराल वापस। तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा था, तो मुझे ना काफ़ी थकान हो रखी थी। तो मैंने सोचा आज डिनर में क्या बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज सैंडविच ही बना लेते हैं, बिकॉज मम्मी ने ब्रेड का एक बड़ा पैकेट दिया था मुझे आने के टाइम। तो मैंने सोचा अब उस ब्रेड को यू नो यूज़ कर लिया जाए एज अ सैंडविच। वो ब्रेड दिया था मम्मी ने राघव को, बिकॉज राघव को ब्रेड बहुत पसंद है, तो मम्मी हर वो चीज़ देती है जो राघव को बहुत पसंद है। जैसे कि इस वक्त अगर आप मेरा फ्रिज ओपन करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलेंगे जो कि सिर्फ राघव को मिली है, जो हम सब लोग खा लेते हैं राघव के बहाने। तो ऐसा ही होता है यार, माँ का प्यार ऐसा ही होता है। तो और यहाँ पे आप लोग मेरे कान में हेडफोन्स देख रहे हैं ना, मैं ननद मेरी ननद है निशा, उससे से बात कर रही हूँ। तो उसका सुबह से 2 बार मिस कॉल आकर जा चुका था फ़ोन पे, मुझे टाइम ही नहीं मिला था उसको कॉल बैक करने का। तो मैंने सोचा यहाँ पे किस क्यों ना सैंडविच बनाते बनाते उससे भी बात कर लिया जाए। आज जैसा मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि डिनर में सैंडविच बन रहा है, तो मेरे पास ना वो सैंडविच मतलब टोस्ट सैंडविच वाली कोई मशीन वगैरह है नहीं, बिकॉज मेरे घर पर बहुत ऐसे फ्रिक्वेंटली सैंडविचेस नहीं बनते हैं और हमको खाना भी होता है। तो मैं बाहर से मतलब कभी शॉपिंग पे गई या मोस्टली हम सैटरडे संडे को सैंडविच खाते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि हर सैटरडे संडे, मतलब वंस इन अ ब्लू मून यू कैन सी। तो इसके लिए मैंने ऐसा कुछ सैंडविच मेकर वगैरह बाय नहीं किया है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं ऐसे ही तवे पे बना लेती हूँ नॉनस्टिक का, जो मेरे पास पैन है उसी पे थोड़े से तेल ऑयल डाल के उसको ग्रीस कर लेती हूँ अच्छे से तवे पे, और बड़े आराम से यू नो सैंडविच मेरा बन जाता है। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही, और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये सुबह दूसरे दिन सुबह की क्लिप है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए उठी हूँ, तो मैंने भाजी को छौका लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पे यू नो चाय चढ़ाने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद आटा लगाऊंगी। और मैं वैसे बनाने वाली थी आलू की भुजिया, बट इट टर्न आउट टू बी अ ग्रेवी वाला आलू, बिकॉज वो आलू पक ही नहीं रहे थे, मतलब पता नहीं कौन सा आलू तो पकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मुझे उसमें टमाटर मतलब मैंने उसको थोड़ा सा 2-3 टमाटर काट के डाले और थोड़ा सा पानी ऐड किया उसमें। देखिए टिफ़िन में ना भुजिया टाइप ज़्यादा सही होता है, मतलब और मेरे हस्बैंड भी प्रेफर करते हैं, वैसे उनको ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत पसंद है, बट टिफ़िन में मतलब मैं अवॉइड करती हूँ बनाना। तो ये देख रहे हैं ना आपने, तो कुछ ऐसी थिकनेस थी भाजी की, और दूसरी तरफ ये चाय मेरी बन रही है, और इसके बाद मैं आटा लगाऊंगी, आटा लगा चुकी हूँ, और फिर मैं रोटी सेकने जा रही हूँ। लोगों को चाय पहले मैं छान कर दे देती हूँ, तो क्या मैं आराम से फिर लास्ट में ये रोटियाँ सेकनी बच जाती है, और क्या भाजी बनी चुका रहता है या फिर बनता रहता है। दूसरी तरफ गैस पे चाय दे दिया, फिर बचा रोटी सेकना। तो बस वही रोटी सेक रही हूँ यहाँ पे धीरे धीरे, और ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाती मैं मॉर्निंग में, बिकॉज मेरे यहाँ सब राइस खाते हैं दोपहर में, राघव को राइस चाहिए होता है, मेरे ससुर जी को राइस चाहिए होता है, और मैं भी राइस खाती हूँ। तो फिर मैं इसलिए ना उतनी रोटियाँ बनाती हूँ जितनी वो टिफ़िन में लेके जाए, लेकिन आज मैंने 2-3 रोटियाँ मतलब एक्स्ट्रा सेकी थी, वो इस वजह से क्योंकि पापा ने कल रात में सैंडविच खाया था। मैंने उनको बोला मैं कुछ और खिचड़ी बना दूँ या कुछ आपको जो खाना है तो वो बना दूँ, तो बोले नहीं मेरा पेट एकदम फुल है। तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए भी रोटी बना देती हूँ क्योंकि रात में रोटी नहीं खाए थे, तो थोड़ी एक्स्ट्रा रोटी मैंने आज सेक ली थी उनके लिए भी, और वो प्लान काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, पापा को अच्छा लगा रोटी, नहीं तो अदरवाइज़ वो रोटी अवॉइड करते हैं। फिर अगर मैं रोटी अगर उनके खाने में दे भी दूँ ना तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ चावल खाना है, बट आज उन्होंने खा लिया क्यों, क्योंकि उन्होंने रात में रोटी नहीं खाई थी इसी वजह से। और ये मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन यहाँ पर पैक कर रही हूँ, ये रोटियाँ रख ली। मेरे हस्बैंड बहुत छोटे छोटे टिफ़िन लेके जाते हैं, बहुत बड़ा और फैंसी टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्यूट से टिफ़िन लेके जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी रोटी और भाजी यहाँ पे मैं उनको दे दूँगी पैक करके, और चाय सब लोग पी चुके हैं, सब लोग यानी मेरे हस्बैंड और ससुर जी। और ये देखिए लाडो सोकर उठी है, ये मैडम उठ जाती है सबसे पहले, और इसकी आवाज़ सुन के राघव भी उठ जाता है। तो ऐसे ही होता है रोज़ हमारे घर में।
तो चलिए इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।